ये मत समझ लेना कि संसार में हमारा स्वभाव कैसा भी हो, धर्म के क्षेत्र में आकर के यदि आप धर्म कर लेते हो वो धर्म आपके लिए फलदायी बनेगा, ऐसी भ्रमणा में मत रहना। शास्त्रकार भगवान हमारे ग्रंथ हमारे गुरु परंपरा स्पष्ट रूप से कहती है, समझ लेना, यदि आपका स्वभाव गलत है, यदि आपका स्वभाव बेकार है, यदि आपका स्वभाव खराब है, तो धर्म के क्षेत्र में आकर के की हुई धर्म आराधना आपके लिए भी बेकार बन जाती है। स्वभाव तो वंडरफुल होना चाहिए, समझ लेना। स्वभाव हमारे खुद के भाव कैसे है उससे ऊपर से तय होता है हमारा स्वभाव कैसा है। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, ज्यादातर, सबकी बात मैं नहीं करता, लेकिन ज्यादातर लोग जो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं, चाहे तप के क्षेत्र में, चाहे त्याग के क्षेत्र में, चाहे दान के क्षेत्र में, चाहे क्रियाओं के क्षेत्र में, चाहे आराधना के क्षेत्र में, ज्यादातर लोग 100% नहीं, पर मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, मैं जितने लोगों को मिला हो उसके ऊपर से निष्कर्ष निकाल करके मैं कहता हूं कि ज्यादातर लोग जो धर्म से जुड़े हुए हैं उनके स्वभाव गड़बड़ होते हैं, स्वभाव बड़े बिगड़ जाते, स्वभाव बड़े बेकार हो जाते हैं। अरे धर्म की फलश्रुति क्या, पहले जब तक हमारे भावों में सुधार ना हो, हमारे स्वभाव में सुधार ना हो, अरे भीतर के भाव तो बाद में सुधरेंगे, लेकिन पहले हमारा स्वभाव सुधरेगा, यही तो धर्म की फलश्रुति। आप दिन में 10 सामायिक कर लेते हो, 10 सामायिक की आराधना आपकी हो जाती है, लेकिन 10 मिनट की समता आपके भीतर दिखाई नहीं पड़ती, आप क्या पाए। और ज्यादातर लोगों में हमने देखा है जो 10 सामायिक करने वाले होते हैं ना, उनसे घर वाले भी डरते हैं, संघ वाले भी डरते हैं, समाज वाले भी डरते हैं कि यदि उन्होंने गलती से कहीं आगे कटास्ता बिछा दिया है और किसकी मजाल वो कटास्ता इधर उधर कर दे। अरे धर्म के क्षेत्र में आने के बाद स्वभाव सुधरना चाहिए, धर्म के क्षेत्र में आने के बाद आपका स्वभाव बिगड़ रहा है, ऐसा क्यों होता है। एक चीज समझ लेना, भाव शायद हमारे खुद के लिए हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव दूसरों के लिए। भाव गड़बड़ हो जाएंगे तो हमें खुद को ही असर होगी और किसी को असर ना होगी, लेकिन स्वभाव गड़बड़ हो जाएगा, स्वभाव बिगड़ जाएगा, हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, यदि ज्यादा धर्म करने के बाद, ज्यादा क्रिया करने के बाद, ज्यादा तप त्याग करने के बाद, ज्यादा आराधना साधना करने के बाद यदि आपका स्वभाव बिगड़ रहा है, तो सही मायने में आप धर्म को नहीं समझ पाए। यहां आकर के आप कितनी मीठी मीठी बातें कर लेते हो, यहां आकर के आप कितना मीठा मीठा बोल लेते हो, परमात्मा की स्तुति का गान कर लेते हो, लेकिन घर में जाकर के यदि आपके मुंह में से कर्कशा वाणी निकलती है, आपके मुंह में से अपशब्द निकलते हैं, आपके मुंह में से गलत भाव निकलते हैं, आपके मुंह में से किसी के लिए बददुआ निकलती है, आपके मुंह में से किसी के लिए गलत वर्ड निकलता है, किसी को दुख हो जाए, ऐसे शब्द यदि आप उच्चारित करते हो, तो समझ लेना परमात्मा की हुई स्तुति आपके लिए बेकार। ज्यादातर लोगों के जीवन में हमने देखा है धर्म जितना बढ़ते जाता है स्वभाव उतना बिगड़ते जाता है। अरे परमात्मा की स्तुति बाद में करना, पहले किसी से कैसी बातचीत की जाए वो सीख लो। कई लोगों को हमने देखा है जो मंदिर में जाकर के घंटों अष्ट प्रकारी पूजा करते हो, 2 घंटा परमात्मा के सामने लगाते हो, 2 घंटा बैठ करके अष्ट प्रकारी पूजा करते हो, लेकिन 2 मिनट परिवार के साथ शांति से बात न कर पाते हो, मैं कहता हूं आपकी अष्ट प्रकारी पूजा बेकार है। आप सामायिक कर लेते हो, आप प्रतिगमन कर लेते हो, आप पूजा कर लेते हो, आप परमात्मा की स्तुति कर लेते हो, आप तप कर लेते हो, और उसके बाद में भी, उसके बावजूद भी आपके स्वभाव में यदि परिवर्तन नहीं आता, समझ लेना आप धर्म नहीं कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। अरे धर्मी व्यक्ति का स्वभाव कितना नम्र हो, कितना सरल हो, कितना अच्छा हो, किसी को उसके पास जाने का मन हो, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। और ज्यादातर धर्मी लोगों के जीवन में देखो, लोग उनसे दूर भागते हैं कि इनसे दूर रहो, इसके नजदीक नहीं जाना। यदि हमारा नंबर लग गया तो 12 बजा देंगे, ये क्यों होता है। हमारे यहां
कहा गया कि समझ लेना, जीवन में दो चीजें बढ़ती है तो आदमी का अहंकार बढ़ जाता है, यदि जीवन में धन बढ़ता है तो भी आदमी अहंकारी बन जाता है, और जीवन में धर्म बढ़ता है, धर्म को सही रूप से समझ नहीं पाता तो भी आदमी अहंकारी बन जाता है। आदमी यह सोचता है ये परमात्मा मेरे है, मैं ही सब उनका करूंगा, मैं ही पहली पूजा, मैं ही पहला पक्षाल। अरे तू भाव से करे वो कोई बात नहीं है, लेकिन हक से करे कि नहीं ये मेरा ही है और किसी को नहीं करने दूंगा, यह स्वभाव नहीं चलेगा। समझ लेना, धर्म की पहली फलश्रुति यह है हमारा स्वभाव बदल जाए। अरे भीतर के भाव तो बाद में बदलेंगे तो चलेगा, लेकिन स्वभाव पहले बदलना चाहिए, और यही स्वभाव को हम सुधार नहीं पाते, यही स्वभाव को हम बदल नहीं पाते। और इसीलिए मुझे कहना पड़ता है कि ज्यादातर धर्मी लोगों के जीवन में मैंने देखा है उनके स्वभाव बड़े कर्कश हो जाते हैं, उनके स्वभाव बड़े बिगड़ जाते हैं, उनके स्वभाव में बड़ी दिक्कत दिखाई पड़ती है, उनके स्वभाव में बड़ी गर्माहट महसूस होती है, उनके स्वभाव में बड़ी कड़वाहट महसूस होती है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, हम धर्म करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब तुच्छ है। अरे धर्मी व्यक्ति तो यह होता है जो बाकी सबको, अरे हमारे यहां तो यहां तक लिखा गया कि छोटे से जीव जंतु को भी अपने समान समझे। और स्वभाव को बेहतर बनाने के तीन रास्ते हैं, समझ गए। यदि आप चाहते हो कि आपका स्वभाव बेहतर हो, आपकी पहचान लोगों में अच्छी हो, आप लोकप्रिय बन पाओ, तो शास्त्रकार भगवत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तीन शब्द ऐसे हैं जो आपके स्वभाव को बेहतर बना सकते हैं, तीन तरीके ऐसे हैं जिससे आपका स्वभाव सुधर सकता है। यदि ये तीन शब्दों का इस्तेमाल करने की आदत आपको बार बार लग जाती है, निश्चित तौर पर आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। कहा नंबर वन, थैंक यू। पहला शब्द जिसको आपको बार बार इस्तेमाल करना है वह है थैंक यू। किसी ने हमारे लिए कुछ करा, हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए, थैंक यू। समझ लेना, पूरे दिन में आप बैठ करके एक दिन गिनती करना कि पूरे दिन में मैं थैंक यू कितनी बार बोलता, कितनी बार मेरे मुंह से थैंक यू निकलता है, एक बार आप सोच लेना, एक बार आप समझ लेना। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर यदि आप अपना स्वभाव बेहतर बनाना चाहते हो, आप अपना स्वभाव अच्छा बनाना चाहते हो, थैंक यू का इस्तेमाल करते रहे। जहां जहां आपको लगे किसी ने मेरे लिए बेहतर किया, किसी ने मेरे लिए अच्छा किया, किसी ने मेरे भले के लिया, किसी ने मेरे को हेल्प करी, कोई मेरे काम में आया, आप ये शब्द का इस्तेमाल करते रहे, थैंक यू। दूसरा शब्द है सॉरी। ये थ्री मैजिकल वर्ड है, ये ऐसे मैजिकल वर्ड है जो आपके स्वभाव को सुधार देंगे, जो आपके जीवन को नंदनवन बना देंगे, जो आपको लोकप्रिय बना देंगे। सब ताकत ये तीन वर्ड के भीतर रही हुई है, और इसीलिए कहना चाहता हूं, समझ लेना, नंबर वन थैंक यू, नंबर टू क्या कह रहे हैं, सॉरी। जहां जहां आपको लगे कि मेरी मिस्टेक हो गई है, मेरे से गलती हो गई है, मेरे से कोई खामी हो गई है, मेरी कोई भूल हो गई है, जहां जहां आपको ये महसूस हो, जहां जहां आपको लगे, सॉरी शब्द का इस्तेमाल करते रहे। हमारे मुंह से सॉरी निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। हम थैंक यू तो शायद बोल लेते हैं, लेकिन सॉरी बोलने में हम बहुत सोचते हैं। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सामने से सॉरी बोलूं, मैं क्यों जाकर के उसके सामने झुकूं, मैं सॉरी बोलने को तैयार नहीं। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, संसार में ज्यादातर लोगों को सॉरी बोलने की आदत नहीं है, सॉरी नहीं बोल सकते। उसके लिए ईगो का त्याग करना पड़ता है, इसके लिए खुद के अहंकार को छोड़ना पड़ता है, उसके लिए खुद को झुकाना पड़ता है, और व्यक्ति यह करने के लिए तैयार नहीं होता। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, ये तीन मैजिकल वर्ड ऐसे हैं जो आपके स्वभाव को, आपके प्रभाव को बढ़ा देंगे, आपको दुनिया में लोकप्रिय बना देंगे। पहले नंबर में थैंक यू, दूसरे नंबर में सॉरी। बोलते रहे, जहां लगे कि मेरी गलती हुई है, मेरे से कुछ बुरा हुआ है, मेरे से कुछ गलत हुआ है, वहां सॉरी, और जहां लगे कि मेरे लिए किसी ने कुछ किया है, वहां थैंक। और तीसरा उत्तम वर्ड है प्लीज। किसी से भी आपको कुछ काम करवाना है तो आगे एक वर्ड जोड़ दीजिए, प्लीज। बड़ा फर्क पड़ता है इससे।
आप मानो ना मानो, आप एक हफ्ते के लिए चाहे तो आप चेक करके देख सकते, उदाहरण के तौर पर आप 10 दिन ये प्रयोग करके देख लीजिए। आप ये तय कर लीजिए कि पूरे दिन में मुझे ज्यादा से ज्यादा थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा सॉरी और ज्यादा से ज्यादा प्लीज शब्द का इस्तेमाल करना। हम किसी से कुछ काम कहे कि भाई बाजार से ये लेकर के आना, उसके बदले हम ये कह दे कि प्लीज बाजार से ये लेकर के आना, कितना डिफरेंट हो जाता। हम पुलिस में हम नम्र निवेदन कर रहे हैं और ऐसे शायद वो व्यक्ति को लगे आप मुझे ऑर्डर कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझना, स्वभाव अच्छा होना बहुत जरूरी है। धर्म के क्षेत्र में आकर के आप क्रिया कितनी कर लो, आप तप त्याग कितना कर लो, आप आराधना साधना कितनी कर लो, लेकिन जब तक आपका स्वभाव नहीं सुधरता, और एक चीज समझना, स्वभाव घर में पहले सुधारना, बाहर बाद में सुधारना, आपकी उल्टी गंगा है। बाहर तो कहेंगे यार इनके जैसे व्यक्ति मिलने मुश्किल है, लेकिन असली बात तो घर वालों को पूछो तो पता चले कि हालात क्या है। घर में पहले स्वभाव सुधारना, घर के व्यक्ति से प्रेम पहले बनाना, बाहर वाले के साथ में बाद में बनाओगे तो भी चलेगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, स्वभाव हमारा वंडरफुल होना चाहिए। जो गलती ज्यादातर धार्मिक लोग करते हैं अपने स्वभाव को बिगाड़ करके, धर्म की सही व्याख्या यही है, भाव बाद में बदले स्वभाव पहले बदले, यही धर्म की व्याख्या है। और यदि आप चाहते हो कि सही मायने में आपके जीवन में धर्म उतरा है, या आप चेक करना चाहते हो, अपने स्वभाव को चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा आप कितने धार्मिक हो। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।